जय श्री राम। वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा, ये हमारे उस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। सबसे पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था कि टॉपिक वाइज मार्क्स का वेटेज फिजिक्स में कैसा है, फिर सेकेंड वाली वीडियो में हमने बात किया केमिस्ट्री का कैसा है, फिर बायोलॉजी का कैसा है। बायोलॉजी में मैंने स्ट्रेटजी देने की कोशिश करी लेकिन मैंने दिया नहीं, चूँकि मुझे लगा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर मुझे नहीं लगा कि उस वीडियो में मैं दे पाऊँ। तो फिर अब बायोलॉजी की जो स्ट्रेटजिक वीडियो है वो हम एक और वीडियो लेकर के आएंगे, वहाँ हम बताएंगे कि आपको पेपर कैसे करना है, किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो सारी चर्चाएं होंगी। लेकिन सबसे पहले आपको एक स्कैम से बाहर निकालना चाहता हूँ। स्कैम यूजुअली एक ऐसा वर्ड है जो पैसे वगैरह को लेकर के फाइनेंशियल सब में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है तो मैं उसका आपको कारण बताता हूँ। देखिए, टाइम इज़ मोर देन मनी। लोग कहते हैं टाइम इज़ मनी, बट मेरा प्रोस्पेक्टिव ये है कि टाइम इज़ मोर देन मनी। आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं पर्टिकुलर टाइम में, लेकिन आप ज़्यादा टाइम तो नहीं बना सकते ना। 24 घंटे हैं तो वो 24 घंटे ही रहेंगे ना, ऊपर होने वाले हैं ना नीचे होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो स्टूडेंट है, 2 महीना बाकी है, 3 महीना बाकी है, तो यूट्यूब पर आते हैं तो उनकी उंगलियाँ कुछ ऐसे टाइप करती हैं, 70 दिन में कैसे नीट क्रैक करना है, 75 दिन में कैसे करना है, 60 दिन में कैसे करना है, 2 महीने में कैसे करना है, फिजिक्स कैसे करें, केमिस्ट्री कैसे करें। तो ये टीचर्स को पता होता है, सामने वाले बंदे को ये पता होता है कि हाँ ऐसा स्टूडेंट आके ऐसा अप्रोच करेगा मेरे लिए, तो वो फिर स्टार्ट करेंगे अपना गेम। वो बोलेंगे कि हम 75 दिन में करवा देंगे, ये हमारा क्रैश कोर्स है। फिर वो बोलेंगे कि हम 10 दिन में करवा देंगे, 15 दिन में करवा देंगे, 20 दिन में करवा देंगे। ऐसे हज़ारों लोग मिल जाएंगे और ऐसे हज़ारों थंबनेल आपको मिल जाएंगे जिसमें लिखा होगा कि लास्ट के 3 महीने की स्ट्रेटजी जिसमें आप नीट क्लियर कर सकते हैं, लास्ट के 2 महीने की स्ट्रेटजी जिसमें आप नीट क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसी ढेर सारी चीज़ें दिखेंगी, लेकिन एक्चुअली मैं इसकी सच्चाई रिवील करना चाहता हूँ। देखिए, नॉर्मल कोई बंदा है, अगर वो क्लास 10th में है तो कम से कम 2 साल वो अच्छे से मेहनत करे, ऐसा हम लोगों को बताया गया। हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग को यही बताया जाता है कि कम से कम 2 साल प्रिपरेशन करें इंसान शिद्दत से, तो नीट जैसे एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं। मान लो कोई ड्रॉपर है, ड्रॉपर में भी कहते हैं कि शिद्दत से 1 साल तैयारी करें, नहीं 1 साल में हो तो 2 साल करें, आराम से निकल जाएगा। अब जहाँ आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 महीने में निकल जाएगा, अब बोलेंगे कि कॉन्फिडेंस देते हैं बच्चों को, घंटा कॉन्फिडेंस देते हो, चूतिया बनाते हो बच्चों को, कॉन्फिडेंस कुछ नहीं देते हो। आपको लगता है कि मेरे व्यूवर्स आ जाएं, मेरे सब्सक्राइबर हो जाएं वगैरह वगैरह, यही मेन अप्रोच यही होता है लोगों की जो मेन अप्रोच है इन सब चीज़ों को लेकर के, वो यही है, सच्चाई उन्हें भी पता है और बच्चे को भी पता है। इसका ब्रेकआउट क्या जानते हैं आप, कि जो आपकी काम करने की प्रक्रिया है, जो प्रैक्टिस है, वो जब पिछले 8 महीने 10 महीने से नहीं है तो वो 2 महीने में तो नहीं ही होगी ना। सारी कहने की बातें हैं, हम लोग भी करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टास्क। आप समझें कि अभी जब मैं वेटेज वाइज बता रहा था कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स आने हैं, तो ज़रा देखिए कितना टाइम देते हैं हम। जब जूलॉजी की बात करते हैं, जब हम जूलॉजी पढ़ते हैं ना, एनिमल किंगडम एक ऐसा चैप्टर है, अकेले 1 से 1.5 महीने लगा के पढ़ाते हैं इसको, अकेले 1 से 1.5 महीने हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ाते हैं। उसके बाद डाइजेशन तो अभी कट गया, जब डाइजेशन हुआ करता था तो डाइजेशन में भी हम लोग 1.5 महीने लगाते थे, 1 महीने लगाते थे। आपको लगता है नीट क्लियर हो जाएगा 720 नंबर, जिसमें से आपको 650 के ऊपर जाना, क्या नहीं इमेजिन, फिजिक्स पहाड़ जैसा सिलेबस है। मैं मेरा डीमोटिवेट करने का कोई मुद्दा नहीं है, अभी भी आप जहाँ हैं वहीं से मेहनत करिए, जहाँ आप जाएंगे उतना आपका विनिंग पॉइंट होगा, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि कॉन्फिडेंस ठीक है ना, उल्लू मत बनाइए, उल्लू बनाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि सामने वाले को भी पता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टास्क। मैं खुद बोलता हूँ 2 महीने में कोई करके दिखा दे, 0 से स्टार्ट करे 2 महीने में, नहीं होता ऐसा, नहीं होता। 2 महीने तो रिवीजन के लिए हो जाता है। आप समझें कि जैसे कि आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, मान लीजिए आपने सेल साइकिल पढ़ा, सेल साइकिल एंड डिवीजन आपने पढ़ा, आप 7 दिन बाद उसको फिर से देखेगा ना, तो वहाँ से डाटा बेस जो क्वेश्चन है वो आपसे नहीं बनेंगे, ऐसा होता है। तो कैसे मान लीजिएगा कि 2 महीने में नीट जैसे, नीट एक्चुअली आपसे अनुभव मांगता है, क्योंकि वहाँ जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मेनली स्पीड और एक्यूरेसी कैसे बनाइएगा आप 2 महीने में, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहेगा तो ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ है आपके पास 2 महीने में, आप थ्योरी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो बात छोड़ दीजिए, और किसी एक सब्जेक्ट का नहीं कर पाइएगा, किसी एक सब्जेक्ट का। IUPAC 20-20 लेक्चर में पढ़ाते हैं, आइसोमेरिज्म 20-20 लेक्चर में पढ़ाते हैं, GOC छोड़ दीजिए, हाइड्रोकार्बन छोड़ दीजिए, तो उल्लू बनाना बंद करिए।
जैसे आप करना चाहते हो तो बताइए ना कि अभी इतना टाइम है, आप इतना कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वीडियो बनाने के पहले दो वीडियो में मैंने आपको समझाया कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है और आप कितना टाइम दे सकते हैं, वहाँ से आप खुद समझ जाएंगे कि कितना पॉसिबिलिटी है कितनी इम्पॉसिबिलिटी है। बाकी अगला साल पढ़ा आपके पास, जो भी गलतियाँ करिए उसको सुधारिए, अगले साल में इम्प्लीमेंट करिए, सिलेक्शन होगा आप ही के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। नीट बहुत आसान एग्जाम है, नीट में केवल एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो भी है शिद्दत और मेहनत। बेवकूफ़ से बेवकूफ़ बंदा रहेगा, मेहनत करेगा निकल जाएगा, ऐसा हम लोगों को बताया जाता है, वही मैं आपको भी डिलीवर कर रहा हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक्चुअली यही है कि बस अब आपने 7-8 महीने कुछ नहीं करा, फिर आखिरी के 2 महीने में आके कहते हैं कि मेरा नीट क्लियर करवा दीजिए। और बच्चों की भी ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जाकर ऐसा टाइप करते हैं, उनको खुद सोचना चाहिए। हाँ, अबे तुम 8 महीने से सिलेबस को देख रहे हो, तुमको नहीं समझ में आया 2 महीने में वो क्या करवा देंगे? जादूगर हैं, वो जादूगर है, उल्लू बनाते हैं सब, फालतू की बात। बहुत बुरा लगता है, मेरा दिमाग ख़राब हुआ उस दिन जब मैं देखा थंबनेल कॉपी करके मैंने उस पर कट करके फोटो लगाया। एक्चुअली तो मेरा ऐसा थंबनेल बनाने का मूड ही नहीं था, ठीक है, बट लगा यार बेवकूफ़ी है, सरासर बेवकूफ़ी है, और बच्चे उसको सपोर्ट भी करते हैं, दिक्कत यह है बच्चे इसको सपोर्ट भी करते हैं। क्रैश कोर्स वगैरह जो डिज़ाइन किए जाते हैं ना, वो एक्चुअली रिवाइज करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, उनका कोई पर्सपेक्टिव ये नहीं होता कि आपका क्लियर करवा देंगे। और रिवाइज करने का मतलब यह है कि आपने पीछे पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर लेंगे तो फिर से याद आ जाएगा, कॉन्सेप्ट उसका ये होता है। तो सही तरीका यह है कि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को पकड़िए, क्योंकि रटी हुई चीज़ें ज़्यादा देर याद रहती नहीं है। तो ओवरऑल इस वीडियो का मोटिव यही था कि ऐसी चीज़ों में ना पड़े, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 महीने में तो क्या ही बोलूँ मैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने में कुछ ये सब इम्पॉसिबिलिटी का रास्ता। अगर ऐसा होता तो फिर जिन लोगों की 4 महीने पहले आँख खुल जाती है उनका सिलेक्शन हो जाता, 4-4, 5-5 साल यहाँ कोई तैयारी नहीं करता। और नीट में स्ट्रेटजी बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और आप लोगों को तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि ऐसी स्ट्रेटजी हम आपको फ्री में दे रहे हैं। अभी जब हम बायोलॉजी की वीडियो लेकर आते हैं स्ट्रेटजी की, स्ट्रेटजी मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको पढ़ना कैसे है ये आप खुद डिसाइड कर लेंगे। अगर आपको आप ड्रॉपर हैं और आपको ये बताने की जरूरत पड़ रही है कि आपको पढ़ना कैसे है, तो फिर धिक्कार है आपके ऊपर, आप छोड़ दीजिए पढ़ाई, छोड़ दीजिए कलम। हाँ, 1.5-2 लाख रुपए आप देते हैं ट्यूशन के, उसके बाद भी आपको ये तक नहीं सीख पाए आप कि आपको पढ़ना कैसे है, तो फिर कैसे बताएं। मान लीजिए ऑनलाइन है, अभी जो फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं उनको बताएं कि हाँ ये स्टेप है, नहीं उनके पास सुविधाएं हैं, वो नहीं आ रहे कहीं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में करने के लिए, तो उनको हम बताते हैं तो ठीक है, उनके लिए स्ट्रेटजी वीडियो बनाते हैं कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, ये फैक्टर हैं, ये लैगिंग पॉइंट है, ये ब्रेकआउट थ्रू है, तो ये सारी चीज़ें समझाते हैं तो ठीक है। लेकिन अब ड्रॉपर बैच के साथ ऐसा होता है तो फिर लगता है कि भाई क्यों पढ़ रहा है ये, छोड़ दे फिर, तेरे पास की है नहीं, तेरे लिए बनाएंगे। और मैंने तो देखा 8-8, 10-10 साल लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे से बहुत सीनियर अभी भी कर ही रहे हैं। अगर ऐसा होता 2 महीने में वो निकाल चुके होते, बहुत अनुभव है आपसे बहुत ज़्यादा अनुभव है उनके पास, समझ रहे हैं इस बात को। तो ओवरऑल यही समझाना था कि ये सब बेवकूफ़ी है, इन सब के चक्कर में मत पड़िए, ये जो दिखाया जाता है ऐसा कुछ है नहीं, आपको उल्लू बनाया जाता है। और जो टीचर ऐसा कर रहा है ना, मैं आपसे 100% बता दूं, वो आपको उल्लू बना रहा है, वो कभी जेन्युइन टीचर है ही नहीं, वो टीचर है ही नहीं, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है, उसको अच्छा बोलने आ सकता है, वो कभी टीचर नहीं हो सकता, क्योंकि टीचर की एक अपनी गरिमा होती है, एक अपना इथिक्स होता है, एक अपनी वैल्यू होती है, एक अपना रिप्रेजेंटेशन होता है, एक अपनी क्वालिटी होती है। और वो ऐसा करके दिखा रहे हैं कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग एल्स, मैं तो बता रहा हूँ ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए और बाकी मस्त रहिए। अब पेपर आ गया, बायोलॉजी की वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगी, वहाँ हम अलग अलग टाइप के देखेंगे। अभी जब आप पेपर वगैरह अगर आपके इंस्टीट्यूट में होता होगा तो आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप के, पहले यही होता था कि बायोलॉजी का पेपर टफ तब माना जाता था कि भाई असर्शन रीजन बढ़ गया तो ये मानते हैं कि हाँ भाई बायोलॉजी का पेपर टफ है। अभी क्या है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और स्टेटमेंट में भी 3-4 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन सब की चर्चा हम एक बायोलॉजी की वीडियो बनाएंगे, उसमें अलग अलग प्रकार के कैसे क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, क्योंकि मैथ द फॉलोइंग वगैरह आ जाता तो फिर वहाँ बच्चों को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है ना। जितना ज़्यादा आप बायोलॉजी से टाइम निकालिएगा उतना फिजिक्स को आप दे पाइएगा, उतना केमिस्ट्री को आप दे पाइएगा। तो यहाँ से अप्रोच यही होता है कि हम बायोलॉजी से कितना ज़्यादा टाइम निकाल लें, तो इन सारी चीज़ों को बताएंगे। चूँकि अगर पहले से या फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं है तब तो बिल्कुल आप अनभिज्ञ हैं कि क्वेश्चन करते ही कैसे हैं, यही नहीं पता है। एक एक चैप्टर मतलब एक एक क्वेश्चन को आप 2-2, 3-3 मिनट देखे जाते हैं, क्योंकि 3 बार जब तक आप उनको पढ़ नहीं देते तब तक आपको समझ ही नहीं आए। तो उन सबको अप्रोच कैसे करना है वो सब हम बता देंगे,
और बाकी फाइनल जब आप नीट की पेपर देने जाते हैं तो वहाँ बायोलॉजी के पेपर के लिए हम आपको एक्चुअल अप्रोच क्या होना चाहिए उसकी चर्चा हमें कल से वीडियो में करेंगे। तो फिर ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय सियाराम, हर हर महादेव, थैंक यू।